HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। गुरुवार को यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्मी एक बच्ची को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। 2 किलो 400 ग्राम की इस बच्ची के दोनों हाथ नहीं हैं। बच्ची और उसकी मां दोनों स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि जेनेटिक गड़बड़ी के कारण बच्चे के शरीर का पूरा विकास नहीं पाया है। करीब 1 लाख में 1-2 मामले इस तरह के सामने आते हैं। जानकारी के मुताबिक इंद्रजीत गोप की पत्नी सरस्वती गोप 21 को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार सुबह सरस्वती ने एक बच्ची का जन्म दिया। इस बच्ची के दोनों हाथ ही नहीं है। नवजात को देखकर परिजन सहित सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस संबंध में 2 सुप्रीम कोर्ट महतो ने बताया कि नवजात का वजन सामान्य से कम है, बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, मां का प्रसव सामान्य हुआ है। उन्होंने बताया कि अधिकांश मामले में अंधा, कुइचकटा, हाथ पैर से विकलांग होने की बात सामने आती है, पर यह इस इलाके का पहला मामला है जिसमें बच्ची के दोनों हाथ नहीं है।